गुड आफ्टरनून पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड थैंक यू मेरा फ्रेंड्स. सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज मिस्टर नारम तपक. ऑल अरुणाचल आर टी एक्टिवेज एसोसिएशन चीफ ऑडिटर कम एसो चेयरमैन. ऑन माई लेफ्ट वन इज मिस्टर तादर तपक, फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ आरटीआई. एंड ऑन माई राइट वन इज मिस्टर लोकम नामदू, आई पी आर सेक्रेटरी ऑफ ऑल अरुणाचल आर टी एक्टिव एसोसिएशन. सो आज हम लोग काफ़ी मंथ के बाद, गैपिंग के बाद में यहाँ आज हम लोग जो ये इशू के लिए हम लोग आया है, ये इशू जो रिगार्डिंग ऑफ जो इलीगल अपॉइंटमेंट 125 एंड अबव जो इलीगल अपॉइंटमेंट हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ सुपरिंटेंडेंट इंजीनियरिंग कैपिटल सर्कल कॉम कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग एंड विजिलेंस पीडब्ल्यू ईटानगर का अंदर में 2015 से लेकर 18 तक जो इलीगल अपॉइंटमेंट जो जे सिविल का, इसका रिगार्डिंग में आज इलीगल अपॉइंट का बारे में हम लोग आज फाइल फॉलो करने के लिए आया है. और हम लोग जो पब्लिक को, जनता को, आज हम लोग का जो केस जो कहां तक एक्शन टेकिंग रिपोर्ट जो हो गया है उसको हम लोग बताने के लिए पब्लिक आप लोग को हम लोग यहाँ आया है. क्योंकि कोई पब्लिक लोग सोच रहा होगा कि हम लोग रिजोल्व हो गया, हम लोग अंदर में ऐसे लेन देन करके ख़त्म हो गया, कोई ऐसे नेगेटिव सोच के बेहत रहा है को, तो वो सोच को हम लोग यहाँ में दूर रखने के लिए आज हम लोग यहाँ में आप लोग का सामने फिर आप लोग को अपडेट देने के लिए फाइल प्रोसेस का एक्शन कहाँ तक लिया है उसको फाइल को फॉलो करके हम लोग आज आप लोग को बताने के लिए यहाँ आज सेक्रेटरी यहाँ में आया है विजिलेंस के ऑफिस में. तो हम लोग जो फाइल जो ऐसे है तो हम लोग का यहाँ से विजिलेंस से अप्रूवल करके SIC को इंक्वायरी के लिए SIC को भेजा था. तो SIC ने हम लोग का केस को इंक्वायरी करके सब कुछ जो फाइल प्रोसेस है करना था, इंक्वायरी सब कुछ फाइल रिपोर्ट को बना के अभी यहाँ SP विजिलेंस में दे दिया है. तो SP विजिलेंस दे के अभी फिर विजिलेंस डिपार्टमेंट को तो समित हो गया. तो अभी हम लोग जस्ट राइट ना हम लोग जो अभी टीम आरतिया हम लोग जो फाइल जो फॉलो करने के लिए हम अभी जस्ट गया था तो ये विजिलेंस डिपार्टमेंट में, तो विजिलेंस में डिपार्टमेंट हम जाके ये पता लगाया है कि हम लोग का केस को अभी रेगुलर केस बना दिया है. हम लोग का केस को रेगुलर केस के लिए अप्रूवल कर दिया है CM सर जो. तो CM सर जो अभी अप्रूवल कर दिया तो अभी हमें बहुत CM सर को हम लोग का टीम का तरफ से बहुत बहुत थैंक यू आपको कहना चाहूँगा. और जो केस को अभी हम लोग जो अभी जितना भी जेई है, जितना भी जो इलीगल अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, अभी भी मैं आप सभी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग का पास अभी टाइम है, आप लोग जल्द से जल्द आपका जेई जो इलीगल आप जो आया खुद बैकडोर से आया है सब कुछ सबूत मेरा पास में है. आप लोग कुडी गलत से घुस बैकडोर से आया है सोच के आप लोग सरेंडर लेटर दे दीजिए, रेजिग्नेशन लेटर दे दीजिए. बात में ऐसे ना करें कि आप लोग को अभी अरेस्ट करने का टाइम आ गया, आप लोग को अभी केस को रेगुलर केस बना दिया, अभी SIC लोग वन बाय वन अरेस्ट करने के लिए अभी स्टेप उठाएगा, वो लोग अभी फिर इन्वेस्टिगेशन करेगा. इसलिए हम जितना भी इलीगल 125 एंड अबव जो है आप लोग को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग जितना भी जो आप लोग पोस्ट में हैं उसको आप वापस दे दीजिए, सरेंडर कर दीजिए. आप लोग बाद में हमको नहीं बोलना है, हम लोग टीम को नहीं बोलना है कि अरेस्ट करने दे के हम लोग को या हम लोग का पीठ पीछे में मारेगा पीटेगा, ये बात नहीं करना पड़ेगा ये बात. और CM सर और चीफ सेक्रेटरी सर को मैं एक पूछना चाहूँगा, हम लोग का केस को विद इन वीक में, विद इन मंथ में आपने गवर्नमेंट को SIC को आप जो इंक्वायरी करने के लिए दिया, मैं उसको थैंक्स कहना चाहूँगा. लेकिन मगर यहाँ मैं अभी इतना मंथ हो गया, काफ़ी मंथ हो गया है, अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं कर रहा है जय को. सबूत 100% प्रूफ है, डिपार्टमेंट का पास में है, मेरा पास में है, आपका SIC के ऑफिस में सब कुछ, आप लोग डिपार्टमेंट का पास सब कुछ सबूत है. होते हुए भी आप लोग अभी तक किस लिए अरेस्ट नहीं कर रहा है, अभी तक क्यों एक्शन नहीं ले रहा है. और ये AR रोहतू तिची को, बाइडन सुपरिंटेंडेंट इंजीनियरिंग को, इसका ऊपर में CBI क्यों नहीं लगा रहे, ED क्यों नहीं लगा रहे, उसको क्रिमिनल केस क्यों नहीं बना रहे. इतना सारा
इलीगल अपॉइंट में डल के रखा हुआ है। और जितना भी मेंबर्स था, जितना भी ये मेंबर्स था, ए आर अवतुत जो चेयरमैन था और टी कोनिया जो मेंबर्स था, इसके बाद ए आर तची नाबो जो वो भी मेंबर्स था, और ए आर नाबम तकर वो भी मेंबर्स था, उन लोगों के ऊपर में आप सीबीआई क्यों नहीं लगा रहे। जल्द से जल्द मैं अभी रिक्वेस्ट करूँगा, जल्द से जल्द ये कमेटी के ऊपर में, मेंबर्स के ऊपर में भी आप इंक्वायरी करिए, एक्शन लीजिए उन लोगों का ऊपर में। और मैं अभी भी बार बार मैं रिक्वेस्ट करूँगा सीएम सर को, हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप प्लीज़ जल्द से जल्द ये इलीगल 125 एंड अबव जो इलीगल अपॉइंट हुआ उसको जल्द से जल्द टर्मिन कीजिए, इसका बाद री एडवर्टाइजमेंट कराइए, और जो इलीगल अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है उसको सीबीआई लगाइए। थैंक यू।